गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 विषय हिंदी, ठीक है, पार्ट ए खंडवा। जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैं कविता पाठ करा रही हूँ, खंडवा पहला पाठ है कबीर, ठीक है। इसके जीवन परिचय मैंने बता दिया था, किन बिंदुओं पर लिखना है ये भी बता दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे साखियां। साखियां है ना, आप उसमें देखिए साखियां, इनको पढ़ेंगे आप। प्रत्येक साखी का, प्रत्येक पद का अर्थ इन बिंदुओं पर लिखेंगे। पहला बिंदु है संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा अर्थ और चौथा है विशेष, ठीक है। हर एक पद का आपको इन्हीं बिंदुओं पर अर्थ लिखना है, ठीक है। पहला देखिए, मान सरोवर सुहर जल हंसा के कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाही, ठीक है। तो पहला पुस्तक का नाम, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पार्ट ए कभी फिर लिखेंगे आप पाठ का नाम, ठीक है। पाठ ए कभी से लिया गया है, जिसके रचयिता या रचनाकार या कवि कबीर दास जी है, ठीक है। आप रचयिता भी लिख सकते हैं, कवि भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये रचनाकार भी लिख सकते हैं, जो आपको शब्द उचित लगे उसे आप लिख सकते हैं। तो संदर्भ मैंने बताया, पाठ का नाम लिखेंगे पहले, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है, क्षितिज, ठीक है। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज, हमारी प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ एक कबीर से लिया गया है, जिसके कवि कबीर दास जी हैं, ठीक है। अब प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखना होता है, प्रसंग में वो चीज लिखी जाती है कि इसके बारे में जो प्रस्तुत कविता की लाइनें हैं ये किसके संदर्भ में कही जा रही है, ठीक है। तो उस चीज को लिखना होता है, अर्थ में इसकी पूरी व्याख्या करनी होती है, और विशेष में, विशेष में आपको क्या लिखना होता है, विशेष में लिखना होता है पाठ जो आपके बुक में है, आपके पुस्तक में है, तो प्रस्तुत पद किस भाषा में लिखा गया है, प्रस्तुत पद में कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, रस का प्रयोग है, किस किस भाषा के शब्द इसमें लिए गए हैं, ठीक है। किसका ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी अलंकारों के माध्यम से इसमें उपमा भी की जा सकती है, उदाहरण भी दिया जा सकता है, ये सब चीजें जो इसका विशेष बिंदु रहता है वो आपको विशेष में लिखना होता है, ठीक है। तो आप इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत प्रत्येक पद का लिखेंगे। देखिए पहला है मान सरोवर सुघर जल हंसा के लिए कराई, प्रस्तुत पद में यहाँ पर प्राणी जब भगवान से मिल जाता है तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात मुक्ति पा करके वो क्या हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे भगवान कह रहे हैं कि भगवान के मिलने के बाद मन रूपी मान सरोवर, देखिए यहाँ मन को क्या कहा गया है, मान सरोवर कहा गया है, मान सरोवर परमात्मा के प्रेम रूपी जल से अच्छी तरह भर गया है, अर्थात जो मेरा मन है वो परमात्मा से मिल करके
हो गया है, अर्थात मेरे मन में सिर्फ मेरे प्रभु का प्रेम ही बसा हुआ है और उसमें जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। इस मानव तन के जीव को क्या कहा है कवि ने? हंस कहा है, ठीक है। और जो मुझ मेरे परमात्मा के प्रेम में जो मुझे आनंद प्राप्त हुआ है, उस आनंद में मेरा जीव रूपी हंस कई तरह की गतिविधियां कर रहा है, ठीक है। और जीव पर्याप्त मात्रा में मोक्ष रूपी मोती चुग रहा है, अर्थात मेरा जो आनंद रूपी स्वरूप आनंद मिला है, परमात्मा का जो आनंद मिला है, उससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई है और मेरा हंस रूपी जीव उस मुक्ति की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में मोक्ष रूपी मोती चुग रहा है, ठीक है। अतः वह हंस यहाँ से उड़कर और कहीं अन्यत्र नहीं जाएगा, अब उड़ी अनंत न जाएगी, ठीक है। अर्थात जब उसके प्रेम में, उसके मन में ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो गया है, भर गया है, उसे मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो गया है और उसका जीव हंस रूपी कई प्रकार की क्रियाएं कर रहा है और मोक्ष रूपी मोती चुग रहा है, तो अब जब इतनी सारी क्रियाएं उसे अच्छी चीजें मिल गई हैं, तो अब वो यहाँ से उड़ करके अर्थात प्रभु की शरण से उड़ करके अन्य कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मत देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिले न कोई, प्रेमी की प्रेमी मिले सब विसमृत होई। देखिए यहाँ पर सच्चे प्रेम की महिमा को बताया गया है, प्रस्तुत प्रसंग में सच्चे प्रेम की महिमा को बताया गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में सच्चा प्रेम करने वाले को खोजना फिर रहा हूँ, अर्थात मुझे कहीं सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिल रहा है, और जब सच्चा प्रेम करने वाले से सच्चा प्रेमी मिलेगा तो क्या होगा? सच्चा प्रेमी मिलने के बाद उसके मन की सारी कड़वाहट, सारी शिकायतें, ईर्ष्या, द्वेष, कटुता सबका क्या हो जाएगा? मिट जाएगा और कटुता मिठास में बदल जाएगी, अर्थात विष जो है अमृत में बदल जाएगा, प्रेम की आनंदमयी अनुभूति होने लगेगी। इसी को कहा है प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई, अर्थात प्रेम करने वाले को यदि उसके प्रेमी से मिलन हो जाता है तो सारी शिकायतें, सारी कड़वाहट, सारा द्वेष, सारा विष नष्ट हो करके प्रेम रूपी अमृत में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात विष क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है। तो असत्य प्रेम की महिमा यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए अगला पद है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुदीचा डाली, स्वर्ण रूप संसार है भूकन दे जख मारी, ठीक है। इस पद में कवि ने ज्ञान प्राप्त करने की साधना पर जोर दिया है, ठीक है। ज्ञान की साधना, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर बताया गया है, जोर दिया गया है। अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि जीव को आसन डालकर सहज अवस्था में ज्ञान प्राप्ति की साधना करनी चाहिए, ठीक है। अर्थात सहज सरल स्वभाव से ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, तभी उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। प्रभु से ये बताना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका दास आपके शरण में हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ये संसार दुनिया में जब तक किसी को बताओ ना, अपनी उपस्थिति न बताओ, तो वहाँ पास आपकी उपस्थिति क्या रहती है? सुन रहती है। इसी प्रकार से एक भक्त का एक प्रभु के प्रति प्रेम है कि हे प्रभु, मैं
सुनने में अच्छा लगता है। आपको सांसारिक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। सांसारिक बातों की ध्यान को कवि ने यहाँ कुत्तों का भौंकना बताया है कि कुत्ते ऐसे ही भौंकते रहते हैं। आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना है तो प्रभु के सामने आसन लगाकर आप अपनी आराधना, अपने आप को पहचानिए, अपनी आराधना करिए, ठीक है। अगला देखिए, पखा पखी के काल में सब जग रहा बुदान, निरपथ होए के हरि भजे सोई संत सुजान। इस पद में कवि ने सज्जन पुरुष के लक्षण बताए हैं। अच्छा, सज्जन पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, अच्छे पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, ये बताया गया है। कवि ने कहा है, पक्ष विपक्ष के कारण यह समस्त संसार भ्रमित हो रहा है। जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का स्मरण करता है वही ज्ञानी संत है, वही चतुर सज्जन पुरुष है, ठीक है। अर्थात वही अच्छा माना जाता है जो सही और गलत में फर्क करके, अंतर करके सही का पक्ष लेता है, अर्थात अपना निष्पक्ष रूप से सही ज्ञान से अवगत कराता है। तो ये सच्चे पुरुष की पहचान है, ठीक है। तो आज हमने पद क्रमांक एक, पद क्रमांक दो, पद क्रमांक तीन और पद क्रमांक चार की व्याख्या और अर्थ समझा। हमने वीडियो में हम अगले पदों को लेकर के आएंगे, उनके अर्थ बताएंगे। तब तक के लिए आप इनको अध्ययन करते रहिए, कॉपी में लिख